हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम के सिंह बघेल स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के देसी किसान। यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के देसी किसान। आज हम आपको बताएंगे कि आम की सॉफ्ट वुड यानी कि कोमल पेड़ पे कलम कैसे की जाती है, डबल रूट ग्राफ्टिंग। ये हमारे पास पौधा है, इस पे दो पौधा हमने जो जंगली पौधे जो गर्मी के दिनों में आदमी खा के फेंक देते हैं, वही जो पौधा जगमा हुआ था, तो हमने इसको पैकेट पे लगाया है। अभी हमारे दो पौधे हैं, इसको दोनों को इकट्ठा करके आज हम आपको कलम बांधना सिखाएंगे कि डबल रूट मैंगो ग्राफ्टिंग, यानी इसमें दो जड़ हैं, दो पौधा हैं, तो ये जो इस पर हम सायन टच करेंगे यानी कि इसको सायन जो जोड़ेंगे, सायन लगाएंगे, ग्राफ्ट करेंगे, ये जल्दी से ग्रोथ करता है क्योंकि इसके डबल पौधे से भोजन प्राप्त होगा। तो आपको इसकी पूरी विधि हम आपको आज बताएंगे। हमारे चैनल पे आप लास्ट तक बने रहिए, आपको हम रिजल्ट भी दिखाएंगे कि ये सक्सेसफुल है, 100% सक्सेस होता है। कृपया आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं तो आपको मिल सकें। तो इस पे आपका कोई खर्च नहीं लगना है अपने घर पे। इसके लिए आपको एक सायन लानी है। ये सायन जो कोई भी पौधा जहाँ पे आप अच्छी वैरायटी का हो, चाहे आम्रपाली हो, दशहरी हो, कोई भी यानी अच्छी वैरायटी हो, वहाँ पे इसको 15 दिन पहले इसके जाके पत्ते तोड़ दीजिए, डिफलोशन कर दीजिए। फिर ये देखिए जो फूल रहा है, ये आपका निकलने लगे बट इसका आगे का, तो इसको आप काट के ले आइए, इसको ग्राफ्टिंग करिए क्योंकि इसका रिजल्ट 100% है। सायन अपनी मिच्योर होनी चाहिए, पुरानी सायन होनी चाहिए ताकि यही ग्रोथ करेगा। आप अगर 5 महीने 6 महीने के सायन लगाएंगे तो मुश्किल पड़ेगा, कम से कम 8 महीने से 1 साल की पुरानी सायन तो होनी ही चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं इसको बांधने के लिए। आपके घर में जो पन्नी आती है जिसमें आप सामान लाते हैं, उसी का आप काट के बना लीजिए, आपका कोई खर्च नहीं लगेगा, फ्री में आपका हो जाएगा। आप पूरी प्रक्रिया देखिए, हम आपको बता रहे हैं, आप हमारे लास्ट वीडियो तक बने रहिए कृपया। चलिए आपको हम बताते हैं कि इसको फ्री में कैसे काटना है। ये इनको काट लीजिए, करीब 1 इंच चौड़ा पट्टा आप बना लीजिए, इसी को फिर आपको बांधना है। आप लाइन पे बने रहिए, आप हमारा वीडियो देखिए, आपको पूरी प्रक्रिया हम बताएंगे। ये हमारे तैयार हो गए, इसको हम काट देते हैं। इसको ये डबल रूट ग्राफ्टिंग है, इसको दोनों को इकट्ठा कर दीजिए। इसका तो ऐसे बेस्ट सीजन बरसाती सीजन होता है, रेनी सीजन, उस पर आपका रिजल्ट आने का 100% चांस रहता है। बाकी आप हर सीजन में इसको बांध सकते हैं। इसको आप बराबर काट लीजिए, ऐसे इस प्रकार। फिर ये जो अपनी सायन है इसको भी शेप में काटना है, भी शेप में दोनों तरफ से। आप देखिए, गौर से देखिए हम कैसे काट रहे हैं। इस पे हाथ नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसका जो पानी निकलता है, इसमें अगर आप हाथ लगा देंगे तो कीटाणु यानी पॉइजन फंगस लग जाएगा, तो इस पे टच नहीं होना चाहिए आपका हाथ। इसको भी शेप में काटिए।
पे हैंड रेडियो भी से अपने ये देखिए भी शेप में। अब इसमें उतना ही कट लगाना है जितना आप सायन को छीले हैं। बीचों बीच कट होना चाहिए, कम से कम 2 इंच का जितनी आपकी सायन है। ये देखिए कट लग गया। ये डबल रूट ग्राफ्टिंग इसको बोलते हैं, कोमल शाखा कलम। फिर इसको आप इस पे बीचों बीच डालिए ऐसे, ये इस प्रकार। फिर आप यही इलास्टिक की मदद से टाइट बांधिए, टाइट। इस प्रकार इसको टाइट इसलिए बांधना है कि इस पे हवा नहीं लगनी चाहिए, ना हवा लगे ना बाहर का पानी जा सके। इस प्रकार इसको आप बांध दें। इसको आप अपने घर पे कर सकते हैं फ्री में, कोई खर्च आपका नहीं लगेगा। आप आराम से घर पे मटेरियल जो भी कहीं पे आम आपके जमे होंगे जंगली, उनको आप अपने पॉकेट में या कि कोई डिब्बा पड़ा हो घर पे फालतू, उस पर आप नीचे होल कर दीजिए, उसी में आप पौधे लगा दीजिए और उसी पे आप एक ग्राफ्टिंग करिए। इसको टाइट जरूर बांधना है, ढीला नहीं होना चाहिए ऐसे। बाकी आप हर सीजन में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, पर खास कर ये जो सक्सेस रेट है इसका, बारिश के सीजन में बहुत सक्सेसफुल है। बाकी सीजनों में थोड़ा टाइम लगता है। आप ठंडी के सीजन में करेंगे तो जो बारिश में आपका 15 दिन में रिजल्ट मिलता है, वो ठंडी में आपको 30 दिन में मिलेगा। इतना जरूर है, बाकी रिजल्ट मिलना ही मिलना है, रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए हमारी बंध के तैयार हो चुकी है। फिर इसको एक टोपी पहना देना है ताकि इस पे ज़्यादा ना तो ठंडी लगे, बारिश का पानी भी ना जाए, और अंदर अंदर जो मॉइस्चराइजर बनेगा तो इससे आपकी कलम तैयार होगी, जल्दी से आपकी रेडी होगी। तो आपको हम इसका रिजल्ट दिखाएंगे, आप इंतज़ार करिए, हमारा पूरा वीडियो देखिए।